नमस्कार दोस्तों, टूल्स विला के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप फूड प्रोसेसिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपको प्रोडक्ट लेबलिंग के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ दो प्रोडक्ट रखी हुई है। एक की पैकेजिंग सही नहीं है और दूसरे की पैकेजिंग सही है। सही पैकेजिंग से आपकी प्रोडक्ट की सेल और कस्टमर ट्रस्ट दोनों ही बढ़ती है। दोस्तों, फूड पैकेजिंग और लेबलिंग मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच एक लिंक क्रिएट करता है। इससे मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में सही इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि प्रोडक्ट कब मैन्युफैक्चर हुई है, प्रोडक्ट की एक्सपायरी कब होगी और प्रोडक्ट्स में क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स इस्तेमाल हुई है। फसाए के गाइडलाइंस के अनुसार आपके प्रोडक्ट में ये चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको अपने प्रोडक्ट में लेबलिंग करना है। पहले आता है नेम ऑफ द फूड। इसका मतलब ये कि पैकेट के अंदर जो फूड प्रोडक्ट है उसका नाम पैकेट में क्लियर तरीका से प्रिंट होनी चाहिए, ताकि कंज्यूमर को समझने में कोई परेशानी ना हो। दूसरे नंबर में आता है लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। इसका मतलब ये कि प्रोडक्ट बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुई है, फसाई गाइडलाइंस के अनुसार सारे इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट लेवल में प्रिंट होनी चाहिए। तीसरा नंबर में आता है न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये कि आपके प्रोडक्ट में न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, जैसे कि फैट कितनी मात्रा में है, शुगर कितनी मात्रा में है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है, वो लेवल में प्रिंट होनी चाहिए, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। मैन्युफैक्चरर को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर प्रोडक्ट वेज है ग्रीन डॉट और प्रोडक्ट नॉन वेज है तो ब्राउन डॉट प्रोडक्ट पैकेज में प्रिंट होनी चाहिए। पाँचवा नंबर में आता है डिक्लेरेशन रिगार्डिंग फूड एडिटिव्स। इसका मतलब ये कि फूड को लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व करने के लिए या उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए एडिटिव इस्तेमाल करते हैं। हमें लेबल में सही तरीके से मेंशन करना पड़ता है कि कौन कौन से फूड एडिटिव इस्तेमाल हुई है। छठे नंबर में आता है डिटेल्स ऑफ द मैन्युफैक्चरर। इसका मतलब ये कि मैन्युफैक्चरर का नाम, एड्रेस, जैसे कि एरिया का पिन कोड, फैक्ट्री का नाम और एड्रेस आपके प्रोडक्ट लेवल में प्रिंट होना चाहिए, नहीं तो आपके प्रोडक्ट को फेक कंसीडर किया जाएगा। सातवें नंबर में आता है नेट क्वांटिटी। इसका मतलब ये कि आपके प्रोडक्ट का कितना वेट है वो भी लेबल में मेंशन होना चाहिए, जैसे कि आपका पैकेट वेट अब प्रोडक्ट का वेट दोनों को कॉम्बाइन करके नेट क्वांटिटी होना चाहिए। आठवें नंबर में आता है बैच नंबर, कोड नंबर। इसका मतलब ये कि अगर आपका जूस प्रोसेसिंग प्लांट है और आप लॉट में जूस प्रोडक्शन करते हैं और उसे छोटे छोटे पैकेट में सेल करते हैं, अगर कोई भी पैकेट का जूस खराब हो जाए तो आप बैच नंबर और कोड नंबर के सहायता से उसे खोज कर रिप्लेस कर सकते हैं। नौवे नंबर में आता है डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड बेस्ट बिफोर यूज बाई डेट। इसका मतलब यह कि जब आपकी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होती है तब आपको अपने लेबल में डेट ऑफ मैन्युफैक्चर मेंशन करना होगा, ताकि कस्टमर को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो कि कब मैन्युफैक्चर हुई है ये प्रोडक्ट। बेस्ट बिफोर यूज बाई डेट एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसके अंदर अगर आप फूड कंज्यूम करते हैं तो आपका फूड का टेस्ट सेम रहता है। अगर वही फूड उस टाइम पीरियड के बाद अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपका फूड का टेस्ट और फ्लेवर दोनों ख़राब हो जाता है। एक्सपायरी डेट इसका मतलब ये कि एक सर्टेन डेट के बाद आप फूड प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। दसवें नंबर में आता है इन्फेंट। इसका मतलब ये होता है कि जिन बच्चों का उम्र 12 महीने से कम है वो इन्फेंट के कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं लैक्टोजेन, ये इन्फेंट कैटेगरी का प्रोडक्ट है और आपको इन जैसे प्रोडक्ट में इन्फेंट मेंशन करना होगा। 11 नंबर में आता है कंट्री ऑफ ओरिजिन। इससे कंज्यूमर को यह पता चलता है कि आपका प्रोडक्ट किस देश से मैन्युफैक्चर हुआ है, जैसे इंडिया, चाइना, जापान या अन्य किसी देश। फसाई गाइडलाइंस के अनुसार आपको यह जानकारी प्रोडक्ट लेवल में देना होगा। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से आइडिया हो गया होगा कि आप अपने प्रोडक्ट की लेबलिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो टूल्स विला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।